नमस्कार, मैं दिव्या एक खूबसूरत सवेरा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक खूबसूरत सवेरा की नींव राष्ट्रभक्ति पर टिकी हुई है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यूं तो कविताओं का सिलसिला इस पेज पर हमेशा जारी रहेगा, पर देश में जर्नलिज्म का एक दूसरा चेहरा देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के मुताबिक अगर हम कुछ बेसिक नॉलेज भारत के नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं तो हमें ज़रूर पहुंचाना चाहिए। और इसी सोच के साथ हमने अपने पेज एक खूबसूरत सवेरा पर एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिस प्रोग्राम का नाम है बेसिक्स विद दिव्या। मैं बात करूंगी कुछ बेसिक लॉज पर, कुछ बेसिक टॉपिक्स पर जो कि एक भारतीय नागरिक होने के मुताबिक आप सबको जरूर जानना चाहिए। जब तक आप इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को नहीं जानेंगे तो कैसे आप अपने वोटिंग डिसीजंस को ले पाएंगे। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करूंगी जिनकी और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। तो आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक इनकम टैक्स, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि हमारे देश में दो तरह के टैक्सेस चलते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये मैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, मतलब जो आय आप साल भर में कमाते हैं और उसका कर जो आप केंद्र सरकार को जमा करते हैं, वो कैसे जमा होता है और वो कौन जमा करता है, किस पे इनकम टैक्स लागू होता है, ये सब बहुत सारी जानकारियां मैं आपको दूंगी। और ये पहला पार्ट है, पार्ट वन है, जिसमें मैं जितना कवर कर पाई हूँ मैंने किया है इनकम टैक्स के बारे में। बाकी जो शेष रह गया है उसे मैं दूसरे पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि इस देश के लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी, जो बेसिक नॉलेज है, एक फंडामेंटल राइट की तरह समझ लीजिए, जैसे राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, वैसे ही राइट टू बेसिक नॉलेज आल्सो कम्स अंडर एजुकेशन। तो इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और सो यू आर वॉचिंग बेसिक्स विद दिव्या। इनकम टैक्स, जहां इनकम का मतलब होता है आय जो आप कमाते हैं और टैक्स का मतलब होता है कर जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं। किसको पे करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सॉरी अगर फ्रेम रेट थोड़ा हिल रहा हो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ्रेम रेट ना हिले। तो इनकम टैक्स जो है वो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब इनकम टैक्स के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा कि इनकम टैक्स किन लोगों पे लागू होता है, किसे इनकम टैक्स पे करना होता है। तो इसका जवाब है कि इनकम टैक्स पर्संस को पे करना होता है। किसको? पर्संस को पे करना होता है। अब पर्संस से आप समझ रहे होंगे कि एक इंसान को पे करना होता है, एक इंडिविजुअल को पे करना होता है, पर वो तो सच है, पर इंडिविजुअल के अलावा भी इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन का कुछ डेफिनेशन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल के अलावा भी कुछ चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ हम अभी पर्सन का मतलब समझेंगे। सबसे पहले जानिए कि पर्सन को इनकम टैक्स पे करना होता है। अब इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक पर्सन कौन कौन है,
ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले पर्सन में आता है इंडिविजुअल्स। सबसे पहले पर्सन्स में आते हैं इंडिविजुअल्स, मतलब कि एक सिंगल इंसान। दूसरा पर्सन्स में आते हैं HUF, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर अगर आपका फैमिली रजिस्टर्ड है, उसमें एक कर्ता होता है जो मेन मेंबर होता है फैमिली का, तो उस हिसाब से आप पर्सन के अंदर आते हैं और आपको भी इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। तीसरा आता है इसके अंदर कंपनी। कंपनी तो आप सब समझ रहे होंगे। चौथा आता है फर्म। पांचवा आता है AOP। AOP, यहाँ AOP का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग मिलकर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर एम के लिए, कुछ उनका एक एम है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल साथ आए हैं और काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यहाँ मैं एक लाइन छोड़ रही हूँ और यहाँ लिख रही हूँ। इसके बाद आता है BOI, इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये भी आता है पर्सन के अंदर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब बॉडी का मतलब भी आप समझ गए होंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या डिफरेंस रह गया? तो डिफरेंस ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ह्यूमन बीइंग रहते हैं ग्रुप में, ह्यूमन बीइंग, और आर्टिफिशियल पर्सन भी रहते हैं। अब एक कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कि कंपनी पे आप कंपनी के नाम पे भी केस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल पर्सन, कोई कंपनी भी जुड़ सकती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स का ग्रुप रहता है जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ इनकम टैक्स का। तो छठा तो था बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और इसमें सातवां आता है लोकल अथॉरिटी, मतलब कि ऐसे कोई लोकल पीपल जिनके पास कोई पावर हो, पोजीशन हो आपके आसपास में, तो वो आ गए हैं लोकल अथॉरिटीज में। और आठवां आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब इसका मतलब मैं समझा सकती हूँ आपको एक एग्जांपल देकर। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हम एक यूनिवर्सिटी को कह सकते हैं। जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, और वो भी इनकम टैक्स में पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आता है और उसको भी टैक्स पे करना है, मतलब इंडिविजुअल को टैक्स पे करना है अपने इनकम का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को करना है, कंपनी को करना है, फर्म को करना है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को करना है, लोकल अथॉरिटी को करना है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को करना है। इन सब को जो अपने आय पे गवर्नमेंट को कर जमा करना होगा। अब तो ये था कि ये मतलब आप समझे कि कौन कौन इनकम टैक्स का पेमेंट करेगा। इसके बाद बात आती है दो चीजों की। तो जैसे कि उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि ये लोग, ये पर्सन्स जो थे हैं, इन्होंने अपना इनकम कमाया। कब इनकम कमाया? अभी इस साल का हम लोग ले लेते हैं, 2020-21 में इन्होंने इनकम कमाया।
ठीक है। तो ये जो ईयर है 2020 से लेके 21 तक, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हम लोगों का जिस ईयर में हमने इनकम अर्न किया, तो ये कहलाएगा हम लोगों का प्रीवियस ईयर। क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर। इनकम जिस ईयर में अर्न हुआ वो कहलाएगा प्रीवियस ईयर। और लेकिन आपका इनकम पे टैक्स क्या होगा वो कब डिटरमाइन होगा? वो कब डिटरमाइन होगा? उसका कैलकुलेशन कब होगा? नेक्स्ट ईयर, मतलब 2021-22 वाले ईयर में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? असेसमेंट ईयर। क्या कहेंगे? असेसमेंट ईयर। मतलब इस साल जो आप इनकम कमाए उसका टैक्स आप अगले साल पे करेंगे, या यू कह लें कि प्रीवियस ईयर में आपने जो इनकम कमाया उसका कैलकुलेशन और पेमेंट आप असेसमेंट ईयर में करेंगे। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप रिटर्न फाइल फिर आप करेंगे तो आपको इन सब चीजों का मतलब पता होना चाहिए एक भारतीय नागरिक होने के कारण। तो अब इसके बाद क्या होगा? रिटर्न फाइल होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा किस ईयर में होगा? जिस ईयर में हम लोग एसेस किए, डिटरमाइन किए अपने आप टैक्स को, जिस ईयर में आपका टैक्स डिटरमाइन हुआ, कैलकुलेट हुआ कि कितना टैक्स आपको इनकम पे पे करना है। तो मतलब ये भी 2021-22 में होगा। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद जो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा वो ये देखेगा कि आपने अपना टैक्स सही से पे किया है या नहीं। तो यही एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग पहले जाने कि पर्सन क्या होता है, कौन लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग जाने कि हम लोग इस साल का पेमेंट, इस साल के इनकम का टैक्स पेमेंट कब करते हैं? नेक्स्ट ईयर में करते हैं। तो जिस साल इनकम कमाया उसको प्रीवियस ईयर, और जिस साल हम लोग टैक्स पे किए उसको असेसमेंट ईयर। उसके बाद क्या प्रोसेस है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर ये देखता है कि आपने टैक्स का पेमेंट सही से किया है या फिर नहीं। इसमें मैं दो पॉइंट और आपसे साझा करना चाहूंगी कि अब आपके इनकम पे आप कितना टैक्स पे करेंगे, वो रेट जो है सरकार डिसाइड करती है, पर वो रेट एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू डिसाइड किया जाता है वो रेट, जिस रेट से आप टैक्स पे करेंगे। और दूसरा कि टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में। इनकम टैक्स का एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके अंदर ये सब ये डेफिनेशन था पर्सन का वगैरह वगैरह की पर्संस क्या होते हैं। तो इसके अंदर जो भी दिए गए हैं सारे डेफिनेशंस वगैरह, इसी के थ्रू, इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के हिसाब से आप टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं इसको यहीं पे एंड करना चाहूँगी, पर थोड़ा सा कुछ पार्ट बच गया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि आपके इनकम को भी पांच तरह के सब इनकम्स में बांटा गया है, पांच तरह के हेड्स ऑफ इनकम्स में बांटा गया है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो वो मैं पार्ट टू में कवर करूँगी। ये इनकम टैक्स का पार्ट वन था, तो तब तक के लिए आप प्लीज़, अगर आपने कि आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा, तो पहले पार्ट में जितना मैं कवर कर पाई हूँ मैंने किया है। बाकी आगे का जो हेड्स ऑफ इनकम्स है, मतलब आपके इनकम में क्या, इनकम का डेफिनेशन क्या है, इनकम में क्या क्या लिया जाता है, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। और स्लैब रेट्स को भी मैं बताऊँगी कि रेट क्या है आपके इनकम पे, इनकम टैक्स का रेट क्या लगता है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप देख रहे थे अभी बेसिक्स विद दिव्या।
सकता। वीडियो को पूरा देखने के लिए